हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। आज मैं एक फाउंडेशन का रिव्यू कर रही हूँ एंड दिस इज न्यू लॉन्च प्रोडक्ट। ये है नायका स्किन शील्ड एंटी पोल्यूशन फाउंडेशन और इसे मैंने नायका से ही परचेज किया है। बहुत सारा टाइम हो गया है मुझे इसे परचेजिंग किए हुए, लेकिन ये मुझे बहुत टाइम बाद मिला है दोस्तों, तो इसकी जो डिलीवरी है वो बहुत लेट हुई थी। ट्रिपल एक्टिव एक्शन फॉर्मूले के साथ आता है, एंटी पोल्यूशन, डीप हाइड्रेशन, ऑयल कंट्रोल एक्शन, ये सारी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर और 15 शेड्स में अवेलेबल हैं इंडियन स्किन टोन्स के लिए। सो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड चूज कर सकते हैं। मैंने मंगाया है 02 वेरी वनीला और ये जो फाउंडेशन है इसमें एक, जब आप इसकी परचेजिंग करोगे वहां पर जो नायका की साइट है तो उस पर एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को देख करके आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड जो है पसंद कर सकते हैं, पिंक एंड येलो या जो भी आपका स्किन टोन है उसके हिसाब से, डार्क है, फेयर है, जो भी है। 30 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है और ये है क्रुएल्टी फ्री, वेगन, पैराबेन फ्री एंड दिस इज डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। और आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये इसकी पेपर पैकिंग है। और इसके बारे में बात करें तो ये आपको जो पोल्यूशन है उससे सेफ रखेगा आपकी स्किन को। और इसके जो ट्रिपल एक्टिव एक्शन फार्मूला है, लाइक उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रा बेस्ड फाउंडेशन है ये, जो कि आपकी स्किन पर एक शील्ड बनाता है, कवर करता है आपकी स्किन को इन सभी पोल्यूशन की चीज़ों से, और ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देता है। सो इस फाउंडेशन को कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि एक तरीके का फुल कवरेज फाउंडेशन ही है, क्योंकि इससे कवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं आपको लगाकर दिखाने वाली हूँ वेरी वनीला शेड एंड इनर पैकेजिंग आप देख सकते हैं, इस तरीके की प्लास्टिक की पैकिंग है और यहाँ पर आपको शेड दिखाई दे रहा होगा एंड इस पर भी सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन प्राइस मैं आपको बता दूँ 800 रुपये का है, यानी कि 799 रुपये का है। तो दिस इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव क्योंकि 800 रुपये का ये फाउंडेशन है। और अब मैं आपको ये फाउंडेशन अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। अभी मैंने आई मेकअप किया है और मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, कोई मैंने प्राइमर नहीं लगाया है, ऐसा सच मुझे नहीं लगा कि प्राइमर की ज़रूरत है। और मॉइस्चराइजर मैंने क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज लगाया है दोस्तों, जो कि खुद में ही एक मेकअप मॉइस्चराइजर मेकअप प्राइमर है। और मैं ब्लेंडर इस्तेमाल करने वाली हूँ कलाबार का। सो यहाँ पर मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ, यू कैन सी मैंने इतनी क्वांटिटी ली है। और ये जो शेड है, आई थिंक ये ना, ये बिल्कुल येलो स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। और मैंने इसको अपने लिए येलो में ही मैं हमेशा परचेजिंग करती हूँ, पिंक स्किन टोन में नहीं लेती हूँ, तो मैंने ये हमेशा फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन जो है वो धूप में इस्तेमाल करने के लिए लिया है, बिकॉज ये एक तरीके की शील्ड प्रोटेक्टिव फॉर्मूले के साथ आता है। तो चलिए इसको मैं अभी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। और आप इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता दूँ, ये थिक है, बहुत ज़्यादा रनी नहीं है और बहुत ज़्यादा क्रीमी भी नहीं है, बट ब्लेंड बहुत आराम से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है दोस्तों, इसे मैंने परचेज किया है। और ब्रश से इसका एप्लीकेशन उतना अच्छा नहीं आया था, मैंने इसे ब्रश से भी अप्लाई किया था तो मुझे लगा कि मैं फिर इसको ब्लेंडर से ही ब्लेंड किया करूंगी। और अगर आपको ओपन पोर्स की समस्या है तो दोस्तों आप फिर डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करें प्राइमर का, तो मैं आपको प्राइमर इस्तेमाल करने के लिए बोलूंगी। और कोई भी फाउंडेशन हो, अगर आप ब्लेंडिंग सही से नहीं करते हो तो वो केकी लगेगा ही लगेगा। एंड इसकी सेकंड लेयर अप्लाई करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सफिशिएंट है। और ये मेरी स्किन के साथ एकदम परफेक्ट जा रहा है, ये वाला शेड वेरी वनीला। अगर आपकी स्किन मेरे जैसी है तो आप ये मंगा सकते हो।
एक तो मार्केट में इतने सारे फाउंडेशन आ गए हैं, कौन सा खरीदें और कौन सा छोड़ें। हर रोज तो कुछ ना कुछ नया आता ही है मार्केट में, तो देख रहे हैं आप। इससे कवरेज तो एकदम फुल कवरेज टाइप कवरेज मिली है, एंड लुक जो है वो अच्छा लग रहा है, तो ये आप पार्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यू कैन सी मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है, तो सच मुझे कंसीलर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया है और मुझे बहुत ज़्यादा केकी या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, स्किन में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और अगर आप चाहो तो इसको अगर आपको सेट नहीं करना है किसी कॉम्पैक्ट या पाउडर से तो आप ना करें, इट्स गुड, इट्स फाइन। अदरवाइज आप चाहें तो सेट कर सकते हैं, तो मैं इसे अभी फेसेस के लूज पाउडर से सेट करने वाली हूँ, और मैं इसका ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ नायका का ही पाउडर ब्रश। जी हाँ, तो इससे मिल गई है इवन कवरेज, एंड ये जो नायका का अल्टिम प्रो मिनरल लूज पाउडर है ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और इसका अगर अलग से डेमो चाहिए तो मैं आपको ज़रूर से इसका डेमो दूंगी दोस्तों। तो ओवरऑल मैंने अपना मेकअप लुक इससे कंप्लीट कर लिया है, एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट वेट लग रहा है ये। तो मैं आपको बोलूँगी अगर आपको समर्स के लिए कोई फाउंडेशन चाहिए, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, और इसका फॉर्मूला टोटली मैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप इस फाउंडेशन को परचेज कर सकते हैं, अगर आप ये अगर ये आपके बजट में है। बात करें लिपस्टिक की, तो मैंने इस वक्त 3 लिप कलर्स को मिक्स एंड मैच करके लगाया हुआ है दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो रिव्यू है ये अच्छा लगा होगा। बात करें इसके स्टेइंग पावर की, ये ऑल डे स्टे करता है, और अभी मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया है। अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे लगा लेते हो तो उससे आपको मिलती है बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा फ्लॉलेस लुक, लेकिन ये बिना मेकअप सेटिंग स्प्रे के भी स्टे करता है दिन भर, तो इट्स वेरी नाइस। ऑफिस गोइंग और वर्किंग, कॉलेज गोइंग, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा है, एंड मैं आपको करती हूँ रेकमेंड। और यदि आपको मेरे चैनल पर और फाउंडेशंस के रिव्यू देखने हैं तो आप चेक कर सकते हैं चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल रारा, और मेरे चैनल पर गिव अवे में ज़रूर से हिस्सा लीजिए, और मेरे चैनल की वीडियोस को शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया है, उनके लिए मैं बोलूँगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सके। एंड ये जो फाउंडेशन है इसको आप ज़रूर से ट्राई करिए, और ये शेड मेरा वाला जो है वेरी वनीला, इट्स परफेक्ट फॉर वीटिश एंड फेयर स्किन टोन, बिकॉज इससे भी एक और जो शेड नंबर 01 है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेयर के लिए है, बाकी सारे शेड्स आई थिंक इंडियन स्किन टोन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड बाय बाय। वैसे तो इस पर कोई SPF नहीं लिखा, बट इसमें लिखा है कि ये आपको सन प्रोटेक्शन से, सॉरी सन डैमेज से प्रोटेक्शन देता है। थैंक यू एंड बाय।